TV31 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और ऐसा काम करके बताएं कि सदर साहब खुश हो जाए, क्योंकि सदर साहब जो है एक ऐसा दर्द रखे हुए हैं मिल्लत के लिए, उस दर्द में हम उनका साथ देना है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने जितने भी गिले शिकवे सब भुला दीजिए और साथ मिलकर चलेंगे आज, और वादा करिए कि हम साथ मिलकर चलेंगे और ऐसा काम करके बताएंगे। मैं मोहतरमा नसीम सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि सिद्दीक भाई साहब, इरफान भाई साहब, सिद्दीक भाई, नशीमा कम्युनिटी के समीर भाई का, करीम भाई का, मोइन भाई का, इब्राहिम भाई का, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपनी कार कर आए हैं। अब जैसा कि अभी सिद्दीक भाई गए, वे अपने दिल साफ करें, अपने दिमाग साफ करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर दिल साफ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। नसीब मिलत बैरस दिन इसी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनके। जैसा कि पहले पाँच बार टिकट दिया गया यहाँ से, जैसा कि अहमद पाशा खादरी साहब भी 3 बार 4 मिनट से इलेक्शन लड़ चुके हैं। अहमद पाशा खादरी साहब को भी एक बार हमारे अहमद सरकार से टिकट दिया गया है। हम अहमद पाशा खादरी साहब का भी और अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम पूरे एक होंगे तो हम आगे चलेंगे। हम जब तक ना इत्तेफाकी रखेंगे दिलों में, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी गिबत या उसकी गिबत हम किसी से करें, ये सोच के करिए कि हम जमात को खोखली करें। आप लोग सब आगे बढ़िए, काम करिए, आप हर दम हर वक्त मेरे को याद करिए, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जैसा अतीक भाई अभी बोले कि या सीसी रोड हो या मोरी का डेनिश लेन हो या स्ट्रीट लाइट हो या कुछ भी हो, हम कभी भी आगे जाके काम करें, हम पीछे नहीं गए। हम पढ़ते पानी आप लोग भी जैसे एरिए के अंदर रह के काम करें हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और मैं जो भी आप लोगों में दिलों में बुरासियाँ हैं या कुछ भी है, आप लोग ये पूरा साफ करिए। आप लोग जैसा अतीक भाई बोले जुम्मे का दिन आ रहा, हमको वोटर्स बढ़ाना, हमारे वोटर्स घटाना नहीं है। जैसा घरों में औरतों के लिए काम की बहुत रहती, जुम्मा है हमारे नहाना धोना काम रहता घर पे। आप सुबह के टाइम आके मालदार को बहनों को उनको बोलिए, आप लोग उठिए, लोगों को पहले ले जाइए। इंशाल्लाह जैसा आप समीर भाई बोले कि ऑटो का इंतज़ाम रखें, हम एक एक सदर को दो दो ऑटो देंगे, इंशाल्लाह वो भी इंतज़ाम कर लिए। वो ऑटो के जरिए से आप लोगों का वोट हमारे मंडी से इत्यादि पढ़ना, जितनी फख्र से याकूबपुरे से असद साहब बात करते हैं वो याकूबपुरे का फख्र हम वो नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोटर से जिताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 38,000 वोट से मुमताज़ खान साहब जीते बोले, इंशाल्लाह अब हम 50,000 या 60,000 वोटों की कोशिश करेंगे आगे। आप लोग ये बोलिए कि सुबह का टाइम है, हम लोग अभी हल्का सी मत करिए, फजर पढ़िए, आप लोगों का पहले वोट डालिए। तो साथी भाई अभी बोले हैं अपना वोट कीमती है, एक एक वोट अपने लिए के लिए। ऐसे तो कई जने कई आते जाते, कोई 5 साल में एक वक्त तो कोई चीज़ के वास्ते एरिए में नहीं आए। डेवलपिंग क्या करते हैं इन्हों, क्या करते हैं हम जब 25 साल में नहीं करे बोलते इन्हों हमारे से दावा रख रहे, तो तुम 5 साल में अगर जीत जाएंगे तो क्या डेवलप करते हैं? जब हम 25 साल के नहीं करे तो आप 5 साल में क्या कर सकते? आप ये सो भहकावे में मत आइए, ये मेंढू कहाँ है, आते जाते रहते, इनका छोड़ दीजिए। जो भी हमको काम करना है 7 दिसंबर के दिन करके बताएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पर जो फख्र है या फिर की सीट के ऊपर, अभी हज़ारों लोग हज़ारों बातें करेंगे, नामपल्ली चले जाते हैं या फिर पूरा चले जाता 4 मिनट, कोई सीट जाने वाली नहीं है। मंडी से इत्यादि मुस्लिम इनको आने वाले ये सीटा है, इंशाल्लाह ताला हम आगे राजिंदा नगर भी जीतेंगे। आप सब हम में इत्तेफाक रहा तो हम आगे जा सकते, हमें इत्तेफाक नहीं रहा तो हम आगे नहीं जा सकते। आप लोग पूरे मिलिए, आप लोगों की एक बहन के सरती हूँ मैं, जो ग्रुप बैठे हैं उनकी बेटी के बैठी हूँ मैं। ये नहीं बोलती हूँ कि मैं काम करी अभी कराना है, मैं जो हो सकता मैं करा रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ भी हैं तो आप लोग माफ़ कर दीजिए, जो भी बात है आप हम मिल के करेंगे। लेकिन इलेक्शन के दिन अल्लाह के वास्ते आप लोग घरों में, आपके घरों
कपड़े धोना है, नल आया, बर्तन मांगना है, ये चीज़ों में अपन मत जाइए। ये चीज़ों से बाद में भी आके कर सकते, एक और डाल के आके अपन जब काम कर सकते। चाहे तो मेरे भी घर में रहता प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को भी 6 बजे से मेरे को भी इलेक्शन ड्यूटी रहती, बाहर ही रहती। इंशाल्लाह ताला अपन सब मिल के काम करेंगे, अपना रिटर्न तलाक कटेगा बता के देंगे। सर साहब खूब शुक्रिया। रखा गया वो आप जानते हैं, और इलेक्शन का जो हर कोई बोल रहा है कि भाई जुम्मा का दिन है, फलाने तारीख है, फलाने तारीख है, अल्लाह ना करे वो चीज़। और अपन 6 तारीख से होशियार रहना है, उस चीज़ से भी काफ़ी नहीं रहना, कि जो हो रहा भूल कर देना, बात करीब नहीं ला लेना। भाई वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होनी सही मिट्री है, वो अपना देख लेती था, मगर अब सुबह का फजर हो जाएगी।